Welcome to India Reforms Judicial Reforms. Before I start this video, I'd like to request you कि ये जो मैं videos बना रहा हूँ ये out of passion बना रहा हूँ कि हमारी country के अंदर reforms आए, because as a psychologist मैं जानता हूँ कि जब तक हमारी country में judicial, police, bureaucratic reforms नहीं आएंगे, electoral reforms नहीं आएंगे, तब तक आप ऊपर वाले को भी ले आइए, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जो भी आदमी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठेगा उसके हाथ बंधे होंगे। तो जब मैं रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, मैं ये देखता हूँ अगर वो आपसे कनेक्टेड है, अगर आपको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बैड एक्सपीरियंस है, तब तो आप उसको लाइक करते हैं और उसको शेयर करते हैं, और अगर नहीं है तो आदमी कहता है छोड़ो यार, मेरे साथ तो थोड़ी ना हुआ है। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, चाहे आपके साथ हुआ हो या ना हुआ हो, आपके साथ नहीं होगा, आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ होगा, सो थिंक फ्रॉम अ नेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एंड काइंडली शेयर इट, लाइक इट, सो दैट मोर एंड मोर पीपल आर एबल टू एक्सेस इट, ज्यादा से ज्यादा ये चीज पहुंचे। और आज का जो मेरा मुद्दा है जुडिशियल रिफॉर्म्स का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब आदमी की डेट पास आती है, किस आदमी की, जिसको जस्टिस चाहिए, जो कल्प्रेट है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जिस आदमी को जस्टिस चाहिए, जस्टिस किसको चाहिए, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जब उस आदमी की कोर्ट की हेयरिंग की डेट पास आती है, उस आदमी का स्ट्रेस लेवल, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है। अगर आप देखें, स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल आदमी का बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो विक्टिम है उसको तो खुश होना चाहिए, अब डेट आई है तो अब इस डेट में मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरे साथ न्याय होगा। बट जब वो डेट आती है, उसकी हार्ट पैल्पिटेशन क्यों बढ़ जाती है, उसको क्यों स्ट्रेस होता है, क्योंकि ही इज नॉट श्योर उस दिन उसका केस सुना भी जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, क्या जज उसकी बात को समझ पाएगा, क्या जज समझ पाएगा कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं होगा उसके साथ कोर्ट में, जबकि वो विक्टिम है, उसी के साथ कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाए कि जो विक्टिम है उसी के ऊपर 10 झूठे आरोप लगाना दूसरी पार्टी, दूसरी साइड का वकील शुरू कर दे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, वो हर एक आदमी जब जस्टिस के लिए जाता है कोर्ट रूम में, उसमें एक डर होता है। तो ये क्या डर होना चाहिए जब आदमी जस्टिस के लिए जा रहा है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदमी को तो रिलीफ मिलना चाहिए, जैसे इट इज लाइक गोइंग टू अ डॉक्टर कि आज मेरे हक में फैसला होगा, आज एक और कोर्ट स्टेप लेगा, चाहे फाइनल ऑर्डर ना दे बट मेरे हक के लिए स्टेप देगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, और वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो जुडिशरी इनकॉम्पिटेंस है, जो करप्शन है, जिसके ऊपर मैं इतने वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, वो जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक एक आदमी जिसके साथ ऑलरेडी बाहर अन्याय हो चुका है, और जो न्यायपालिका में न्याय के लिए जाता है, वो भी वहां पे डरा डरा जाता है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल नहीं विश्वास कि उसके साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। और अब आप दूसरी तरफ देखिए, जो एक्यूज होता है, जिसने गलत काम किया होता है, वो जाता है बड़े ही कॉन्फिडेंस से, डर तो होता है उसमें, पर उसमें यह होता है कि आज किसी ना किसी तिगड़मबाजी करके मेरा वकील या तो नेक्स्ट डेट ले लेगा, या जज को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, या इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट करेगा, क्योंकि जो एक्यूज्ड है, जिसने गलत किया है, ही हैज नथिंग टू लूज। तो कोई भी चीज अगर उसके फेवर में जुडिशरी या जज प्रोनाउंस करता है, वो उसके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है, वो उसके लिए एक तरह से बोनस है। और ये हाल है हमारी जुडिशियल सिस्टम का, कि जहां पे जो न्याय चाहता है उसको न्याय ना मिलके उसके साथ और अन्याय होता है, जिस सेटअप में उसको एक्चुअली न्याय मिलना चाहिए, जहां पे उसको रिलीफ मिलनी चाहिए थी, वहीं पे उसको और अब्यूज किया जाता है। दैट इज वाई आई से वी नीड रिफॉर्म्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर इट। Thank you so much.